तो दोस्तों ये रोड है इंडिया में धारतुला से तवा घाट के लिए, और जो नीचे नदी बह रही है वो नदी है काली नदी, और काली नदी के उस पार है नेपाल, और जिस रोड में चल रहा हूँ ये है इंडिया। धारतुला से तवा घाट की डिस्टेंस है करीब 13 किलोमीटर, और यहीं से ही व्यास वैली, चंदोस वैली और दारमा वैली के लिए रास्ता कटता है। अभी जो रोड सारी मेरे ठीक सामने दिखाई दे रही है उस पहाड़ पे, वो जा रही है लिपू लेक पास की ओर को, और जो रोड जाएगी लेफ्ट साइड में वो जाएगी दारमा वैली और चंदोस वैली की ओर। हेलो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग। तो दोस्तों अभी तक क्या था कि मैंने आपको असल जो ब्लॉग दिखा रहा था, तो उस ब्लॉग में मेरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे नेपाल और धारचूला के जितने ब्लॉग थे। तो उसके लिए अभी जैसे लिपू लेक पास हमारा गवर्नमेंट ने वहां तक रोड बना दी है, तो उस रोड तक पूरा रास्ता बन चुका है अभी तक। तो उसी रोड के लिए जानकारी के लिए बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे और सजेस्ट भी कर रहे थे कि कोई वीडियो हमारे उसके लिए बनाओ, ताकि हम लोग वहाँ ट्रैवल कर सकें या हम लोग वहाँ का ब्लॉग बना सकें। तो ये वीडियो आज मैं उसी चीज़ के लिए लेके आऊँ जिसमें मैं आपके दारमा वैली, व्यास वैली और चंदोस वैली तीनों अपने जो मेरे ब्लॉग हैं उसके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप लिपू लेक कैसे कैसे जा सकते हैं और कैसे क्या क्या परमिशन आपको लेनी है गवर्नमेंट से उसके थ्रू, और आप कैसे आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं, या कैसे आप ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं, या कैसे आप काला पानी जा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि काफी इन्फॉर्मेटिव है और फ्यूचर में आपके काम आएगा, क्योंकि इस साल तो शायद आप लोग ट्रेवल ना कर ना पाओ COVID-19 की वजह से, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप प्लान कर सकते हो वहां पे। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आप लोग लिपू लेक या काला पानी कैसे जा सकते। तो दोस्तों ये पूरा मैप है कैलाश मानसरोवर ट्रैक का, दारमा वैली का और लिपू लेक पास का। तो मैं आपको इस मैप के जरिए बताऊंगा कि आप वहाँ कैसे जा सकते हैं। ये फिलहाल मैंने नारायण आश्रम से ये मैंने मैप लिया था। तो ये पहले जो यात्रा होती थी वो नारायण आश्रम के थ्रू होती थी, लेकिन अब इसका रूट चेंज हो गया है। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको धारचूला आना है तो उसके लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपके नैनी सैनी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहाँ से धारचूला की डिस्टेंस करीब है 90 किलोमीटर डिस्टेंस है। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आपका काडूधाम। तो आप इन दोनों तरीक़ों से आप आ सकते हैं, और साथ में आप लोग ले सकते हैं, वहाँ से कोई टैक्सी बुक कर सकते हैं काडूधाम से, या फिर आप शेयरिंग टैक्सी में भी हल्द्वानी से धारचूला आ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम दारमा वैली की। दारमा वैली फेमस है पंचाचूली बेस कैंप के लिए, बहुत सारे लोग कैंपिंग करने, ट्रैकिंग करने वहाँ पे आते हैं। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो करीब 65 किलोमीटर है धारचूला से। पहले हमको धारचूला तवा घाट आना पड़ता है, तवा घाट से आके हम लोग आते हैं सोबला क्या नालिंग जो काफ़ी फेमस है किसी एक चांदी के लोटे के लिए, उसके बाद आते हैं बालिंग, फिर उसके बाद आते हैं दुक्तू गांव से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है पंचाचूली बेस कैंप। और जो बेस्ट टाइम है पंचाचूली बेस कैंप आने का वो है या तो आप आएँ अप्रैल लास्ट वीक से लेके 15 जून तक, या तो फिर आप आएँ 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और आना काफ़ी रिस्की है। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉग पंचाचूली बेस कैंप का ब्लॉग आप मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वो देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं गया था उस वक्त दिसंबर में, और वो जो टाइम था वो उस टाइम जाने का टाइम था, लेकिन हम लोग रिस्क लेके गए हैं और आप देख सकते हैं कि उस वक्त रोड की कंडीशन क्या थी। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ नारायण आश्रम के बारे में कि आप नारायण आश्रम कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आपको लिपू लेक पास, नारायण आश्रम या पंचाचूली बेस कैंप, तीनों जगह जाने के लिए आपको धारचूला आना पड़ेगा। तो धारचूला ही उसका आप समझ लीजिए कि बेस पॉइंट है, जहाँ से आपको ये डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं नारायण आश्रम की। नारायण आश्रम जिसकी दूरी है 65 किलोमीटर धारचूला से, पहले हम लोग दारमा वैली वाले रास्ते पर चलते हैं, उसके बाद सोबला एक छोटा सा एक विलेज पड़ता है, सोबला से हम लोग करते हैं दारमा वैली को छोड़ के चंदोस वैली में, ताकि वहाँ से जो रोड जाती है वो रोड जाती है नारायण आश्रम की ओर को। जो पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा हुआ करती थी वो होती थी नारायण आश्रम के रास्ते से, अब शायद फ्यूचर में वो रास्ता कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बंद हो जाएगा। अब जो नई जो रेट रोड बनी हुई है लिपू लेक पास की, तो उस रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी।
तो ये जो लिपु लेक पास वाली जो नई रोड है वह है हमारी व्यास वैली में। इसके बाद हम व्यास वैली के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम काला पानी या लिपु लेक पास के रूट के बारे में। अभी तक आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि दारमा वैली और चंदौस वैली के बारे में। अब हम व्यास वैली में, व्यास वैली में जो रोड है वो तवा घाट से सीधे राइट में हम लोग जैसे ही मुड़ते हैं तो पुल क्रॉस करने के बाद हम सीधे व्यास वैली में इंटर करते हैं। तो इसमें जो हमारा जो कुछ बेस कैंप है जैसे बूदी है और गुजी है, गुजी तक पहले रोड जाती थी लेकिन अभी रोड पूरी लिपु लेक पास तक चले गई। अभी थोड़ा इसमें विवाद चल रहा है कि काला पानी जो है वो इंडिया में आता है और लिपु लेक का कुछ हिस्सा है जो नेपाल वाले अपने नक्शे में दिखाते हैं। वो जो भी है वो गवर्नमेंट का मैटर है, उसमें हम पढ़ना नहीं है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अब आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं। आपको सीधे जाना है पहले बूदी गांव, बूदी का आपको जाना है गुजी। इसमें बीच में तीन चार चौकियाँ पड़ती हैं जहाँ जहाँ आपको अपने रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी परमिशन लेनी है लिपु लेक के लिए और साथ में दारमा वैली के लिए भी। तो इसमें 15 दिन का आपको परमिट मिलता है, वो भी धारचूला के जो थाना है धारचूला का वहाँ से। लेकिन उससे पहले आपको मेडिकल कराना पड़ता है, धारचूला के जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ पे मेडिकल कराना पड़ता है। फिर मेडिकल की रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है थाने में, उसके बाद आपको 15 दिन का परमिट मिलता है। इसमें 15 दिन में आपको काला पानी या लिपु लेक पास तक आप घूम के आ सकते हैं। लेकिन वहाँ से आगे जाने के लिए आपको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ से फिर आदि कैलाश या कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो सकती है। इस रूट पे आप जो कर सकते हैं वो आप रास्ता तय कर सकते हैं ओम पर्वत का और आदि कैलाश का, लेकिन कैलाश मानसरोवर आप नहीं जा सकते, लिपु लेक पास आप जरूर जा सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं कि आप सिर्फ धारतुला से टैक्सी हायर करके ही जा सकते हैं लिपु लेक पास में। वो भी आपको गुजी तक वो गाड़ी छोड़ेगी, उसके बाद आपको वहाँ से शायद पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। नए आश्रम और दारमा वैली के आपको किसी पास की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बाइक से भी जा सकते हैं। लेकिन बाइक से जाना वहाँ थोड़ा दारमा वैली में रिस्की है, तो आप ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप धारचूला से लोकल टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी आप हायर कर लें, क्योंकि 500 रुपये रेंट लेते हैं वो लोग दारमा वैली का और करीब 500 रुपये गुजी तक भी लेते हैं वो लोग रेट। तो आप शेयरिंग टैक्सी से आप आराम से इन सारी डेस्टिनेशन में घूम सकते हैं। नारायण आश्रम आप अपनी बाइक से भी जा सकते हैं। अब ज़्यादा जानकारी के लिए आप नारायण आश्रम में मेरा ब्लॉग देख लेना तो आपको पता चलेगा कि मैं वहाँ बाइक से गया था, लेकिन दारमा वैली के लिए मुझे टैक्सी हायर करनी पड़ी थी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये इन्फॉर्मेशिव सेक्शन था, वैसे ब्लॉग तो नहीं था लेकिन हाँ मैंने फिर भी काफी कवर किया है इसमें आप लोग को समझाने के लिए। और आप आराम से व्यास वैली, दारमा वैली और चंदौस वैली में आप आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी जितनी परमिशन आपको चाहिए ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको कि आप कैसे जा सकते हैं वहाँ पे और कौन सा बेहतरीन समय है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट कंडीशन हमको देखनी पड़ती है हमेशा। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी तो लाइक जरूर बनता है उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।